उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं में मकर संक्रांति पर घुघुतिया के नाम एक त्योहार मनाया जाता है। इस त्योहार की अपनी अलग ही पहचान है। त्योहार का मुख्य आकर्षण है कौवा। बच्चे इस दिन बनाए गए घुघुतिया कौवे को खिलाकर यह त्योहार मनाते हैं और कहते हैं, काले कौवा काले, घुघुती मावा खाले। शास्त्रों के अनुसार घुघुतिया त्योहार की ऐसी मान्यता है कि इस दिन सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने उनके घर जाते हैं। महाभारत के दिन मकर संक्रांति के नाम से ही जाना जाता है। बच्चे इस दिन फूलों की घुघुतिया की माला बनाते हैं और अपने गले में पहनते हैं और यह त्योहार बड़े खुशी के साथ मनाते हैं। तो देखते हैं किस तरह से बनाते हैं घुघुतिया। हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ अपने चैनल अमलेश फर्तियाल ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज हम बना रहे हैं घुघुतिया। घुघुतिया जो है उत्तराखंड मकर संक्रांति में बनाया जाता है और इसको खाने में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत इजी भी होता है। जैसे ये देखने में बिल्कुल चॉकलेट की तरह लगता है, बस उसी तरह से खाने में भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो दोस्तों, आज मैं बता रही हूँ आपको कि किस तरह से ये बनाया जाता है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो दोस्तों, उत्तराखंड में घुघुती जो है वो बहुत ज़रूरी है बनाना और विशेष कौवे के लिए बनाया जाता है, ये बाद में खुद खाते हैं। तो ये है सामग्री और ये है गुड़। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पानी गरम करेंगे। पानी इसलिए गरम करेंगे ताकि हम इसमें जैसे गुड़ डालेंगे, जैसे हम चीनी का चाशनी बनाते हैं, बस उसी तरह से हमें ये गुड़ डालना है। हमें इसमें चीनी यूज़ नहीं करनी है, हमें जो घुघुतिया के लिए गुड़ ही यूज़ करना है। तो यहाँ पर गुड़ आप देख सकते हैं पिघल चुका है अच्छी तरह से। और अब हम लेंगे एक बाउल में आटा। तो दोस्तों, आटा आप उतना ही लीजिएगा अपने अनुसार जितना आप बनाना चाहते हो। और यहाँ पर डाल दी मैंने थोड़ी सूजी ताकि खसखस सी रहे। और ये डाल दिया है सौंफ। दोस्तों, सौंफ जो है बहुत ज़रूरी है। ये हमने पीस, ये सफ़ेद तिल है, यहाँ पर हमने सफ़ेद तिल डाल दिए हैं। और ये मैंने इलायची पीस रखी थी तो खुशबू के लिए ये इलायची पाउडर डाल दिया है। तो और इसमें डाल देंगे हम देसी घी। देसी घी मोयन का काम करता है और बाकी सामग्री जो है टेस्ट के लिए इसमें डाली जाती है। सौंफ जो है विशेष तौर पर सूजी और सौंफ, सूजी इसलिए डालते हैं ताकि हमें खाने में थोड़ा सॉफ्ट सी लगे और बहुत टाइट ना हो। आप 2 महीने 3 महीने कितना भी रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होते हैं। आप इनको स्टोर करके रख दीजिए, कभी भी चाय के साथ आप इसको खा सकते हैं। तो हल्के हाथों से हमने इसको गूंथ लिया। इसमें ज़्यादा पानी बिल्कुल भी नहीं लगाना है हमने। हमने जो गुड़ का भाग बनाया था बस उसी को ही हमने यहाँ पर धीरे धीरे से गूंथ लेना। और देख लीजिए दोस्तों, हमें जो है टाइट ही गूंथना है और इसको रख लेंगे हम 15 मिनट तक। और उसके बाद आप देख सकते हैं हमने तेल गरम कर लिया है। और किस तरह से बनाना है आप इसको देख लीजिए, विशेष जो है यही है किस तरह से इसको हम बनाते हैं। तो इसको दोस्तों हम देखिए किस तरह से एकदम लंबे आकार में करते हैं और इसको मोड़ना इस तरह से होता है। बहुत लोग नहीं मोड़ पाते हैं, नहीं बना पाते हैं। तो ये बहुत इजी, अगर आप एक बार बना लेंगे तो आपको आराम से आ जाएगा। ये अलग अलग तरीके के बनाए जाते हैं, जैसे घुघुतिया में ये ढोलक बनाते हैं, तलवार बनाते हैं, ये सब भगवान जी को चढ़ाया जाता है और कौवे को चढ़ाया जाता है। तो इसका घुघुतिया जो है ये विशेष एक कहानी है। अगर आपको इंटरेस्ट हो तो उत्तराखंड की घुघुतिया वाली स्टोरी ज़रूर देखिएगा और तभी ये घुघुतिया बनाया भी जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे घुघुतिया जो है वो हो गए थे, तो इनको अच्छी तरह से धीमी आँच में हमने पकाना है ताकि अंदर तक अच्छी तरह से पक जाए। क्योंकि हमने आटे के साथ इसको गूंधा है तो धीमी आंच पर बनाएंगे ताकि ये आराम से पक जाए। और मैंने जैसे आपको बताया, इसको स्टोर करके आप 2-3 महीने तक रख सकते हैं और चाय के साथ ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। और आप जितना गर्म इसको खाओगे ये उतनी ही ज़्यादा टेस्टी होती है। और पुराने आप जितना भी
खाओगे तो ये और ज़्यादा टेस्टी होती है। तो दोस्तों ये है घुघुतिया और ये त्यौहार हमारे मकर संक्रांति।